अगर आप नेशनल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली मैं आपसे बात करने वाला हूँ 10 ऐसे क्वेश्चंस आंसर की जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट किए। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3000 BC में विश्व में कपास उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है। ओके, मतलब यहाँ पर अर्लीस्ट कॉटन प्रोडक्शन की बात हो रही है, वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में किस जगह पर जो है कि आपको मिलता है। ऑप्शन जो आपका ए है मेसोपोटामिया, ऑप्शन सेकेंड आपका यूनान, ऑप्शन थर्ड आपका मेहरगढ़, और जो ऑप्शन फोर है आपका वो है आपका चाइना। तो इन चारों में से जो है कि मेहरगढ़ जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट है। ओके, ये जो आपका मेहरगढ़ है ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो आप थोड़ा बहुत जो है कि मेहरगढ़ के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर जो है खुदाई जेफ जेरिस प्लस कैथलीन जेरिस, ये दोनों जो है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, इन लोगों ने यहाँ पे जो है खुदाई किया था। और इसकी जो डेटिंग है अराउंड 8000 BC की आती है, और यहाँ पर जो है कि अर्ली हरप्पन के भी ऑडियंस मिलते हैं मेहरगढ़ से, जिसकी डेटिंग अराउंड जो है कि 2600 BC के आसपास है। ओके, और यहाँ ये जो है कि बोलन नदी किनारे स्थित है, कच्ची प्लेन बलूचिस्तान पाकिस्तान में। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं जो है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जाने से पहले देख रहे, चलो मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया जो आज का आधुनिक जो इराक कंट्री है उसे ही मेसोपोटामिया नाम से जाना जाता है। और मेसोपोटामिया का जो अर्थ होता है वो होता है दो नदियों के बीच का जो जगह होता है वो जाना जाता है। और बेसिकली ये दजला और फरात दो नदियाँ उनके बीच में अवस्थित है। यूनान के बारे में जान लीजिए कि यूनान और जो है कि ग्रीक यवन ये सब जो है एक ही हैं। इन तीनों का भी कन्फ्यूज़ मत होइएगा। चाइना के बारे में आपको ज़्यादा पता होगा मेरे ख्याल से। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन किसका बुक है, मतलब ये जो किताब है ये किसका किताब है। ऑप्शन जो एक है आपका मार्टमन विरल, ऑप्शन सेकेंड आपका जॉन मार्शल, ऑप्शन थर्ड आपका AR मुगल, ऑप्शन फोर आपका गार्डन चाइल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है कि मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन किसका बुक है, तो ये है आपका जॉन मार्शल का बुक है, और ये 1931 में पब्लिश हुआ था। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं सर मार्टमर व्हीलर का। मार्टमर व्हीलर का जो पूरा नाम है वो है रॉबर्ट एरिक मार्टमर व्हीलर, इतना आपको ध्यान रखना है। इनका जो बुक है उसका नाम है आर्कियोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, और ये नेट एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। 1954 में जो है कि ये पब्लिश हुआ था। और इनका एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसका नाम है स्टिल डिगिंग, सिर्फ दो वर्ड में है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही जो है कि क्वेश्चन बन रहे हैं आज के डेट में। तो ये जो है 1955 में 1955 में जो है पब्लिश हुआ था स्टिल डिगिंग मार्टमर व्हीलर का है। इसके पहले मैंने बात किया आपसे जो है आर्कियोलॉजी फ्रॉम द अर्थ 1954 में जो है पब्लिश हुआ था। आगे बात कर लेते हैं गार्डन चाइल्ड की किताब के बारे में। आप लोग इनकी किताब से परिचित होंगे मैं श्योर हूँ। इनकी जो किताब है उसका नाम है मैन मेक्स हिमसेल्फ, और एक किताब है इसका नाम है डन ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन, इतना आपको ध्यान रखना है। ये किताब जो है गार्डन चाइल्ड की, जो कि ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं। मार्टमर विलर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है कौन से जो है कि दो हरप्पन साइट है जो कि अफगानिस्तान में मिलते हैं। ऑप्शन वन है आपका सुरतगोई एंड सुतकांगेडोर, ऑप्शन सेकेंड है डाबरकोट और मुंडिकाक, ऑप्शन थर्ड है सुतकाको और डाबरकोट, ऑप्शन फोर है आपका सुरतगोई और मुंडिकाक। एग्जाम्स में आप ऐसे ही जो है कि ऑप्शन पाते हैं जहां आपका माइंड थोड़ा सा घूम जाता है कि क्या पूछ दिया गया है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सुरतगोई और मुंडिकाक। ये दो ऐसे स्थल है जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है। बेसिकली हरप्पन साइट, हरप्पन जो बिजनेस करते थे वो इन्हीं लोगों के माध्यम से जो है कि अदर कंट्रीज में करते थे, मेसोपोटामिया मिस्र में। ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं सुरतगोई और मुंडिकाक के बारे में, क्योंकि यहाँ से जो है कई बार जो है क्वेश्चंस बने हैं। सुरतगोई से क्वेश्चन एक बनता है कि जो है ड्राई फार्मिंग के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, मतलब खेती करने के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं ड्राई फार्मिंग के। बेसिकली ये आपका सुरतगोई से मिला हुआ है। और मुंडिकाक के बारे में जान लीजिए कि मुंडिकाक की जो है खुदाई जे एम कैसल ने किया था 1950 में। और जब हम सुतकांगेडोर के बारे में बात करते हैं तो सुतकांगेडोर आपका जो है कि दास्क नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पर जो है खुदाई 1928 में आर.एल. स्टाइन ने किया था। किसने? आर.एल. स्टाइन ने जो है खुदाई किया था सुतकांगेडोर में। बाकी जो साइट्स है लाइक डाबरकोट शायद ही लेटर अपन साइट है गुजरात की, सुतका को भी शायद पोर्ट साइट है,
इसको लेके मैं ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, आप चेकआउट ज़रूर कर लेना अपने हिसाब से भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि लकड़ी के ताबूत मतलब वुडन काफिन का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिला है। ऑप्शन जो है आपका हड़प्पा है, ऑप्शन सेकेंड है आपका मोहनजोदारो, ऑप्शन थर्ड है आपका राखीगढ़ी, ऑप्शन फोर्थ है आपका अल्लादीनो। कि लकड़ी का ताबूत सबसे पहले कहाँ मिला था, इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है आपका हड़प्पा। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है कि लकड़ी का जो ताबूत है, ठीक है, वो आपको हड़प्पा से मिला हुआ है। इसके बाद आपको मिलता है कहाँ से, राखीगढ़ी से। और रिसेंटली अभी जो है कि सिनोली खुदाई से लेटर अपन कॉन्टेक्स्ट में जो है कि सिनोली से मिला हुआ है वुडन कॉफिन। और ये क्वेश्चन नेट एग्ज़ाम में 2-3 बार कम से कम आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अग्निकांड का जो साक्ष्य है किस पुरास्थल से मिला हुआ है। यहाँ पर जो है चार चार ऑप्शन दिए गए हैं, हर ऑप्शन में चार हैं, इसलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग रहेगा आपके लिए। अगर आपने पढ़ाई सच में किया होगा तो आप इसको ज़रूर कर लेंगे। ऑप्शन वन है आप चंदारो, हड़प्पा, कोटदिजी, बनौली। ऑप्शन सेकेंड है गुमला, कालीबंगा, कोटदिजी, रहमांडेरी। ऑप्शन थर्ड है गुमला, कोटदिजी, आमरी, नौसारो। ऑप्शन फोर्थ है आपका लोथल, कोटदिजी, गुमला, राखीगढ़ी। अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए कि जो पॉइंट नंबर थर्ड है आपका वो करेक्ट आंसर है। गुमला, कोटदिजी, आमरी और नौसारो, ये चार ऐसे साइट है जहाँ से कि आपको अग्निकांड के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब इनका जो विनाश हुआ है वो अग्निकांड से हुआ है, ऐसा जो है कि आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनका बनाने का कार्यशाला मतलब बिट फैक्ट्री किस साइट से मिला हुआ है। ऑप्शन वन है आपका कुड़ाल, बगसरा, चंदारो। ऑप्शन सेकेंड है लोथल, बगसरा, अल्लादीनो। ऑप्शन थर्ड है आपका आलमगीरपुर, लोथल, चरुदारो। और ऑप्शन डी है आपका चरुदारो, लोथल और बगसरा। तो आपको आई एम श्योर कि पता होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर वो नंबर फोर है, चरुदारो, लोथल और बगसरा। ये तीन ऐसे साइट हैं जहाँ से जो है कि आपको मनका बनाने का फैक्ट्री, बीड फैक्ट्री आपको मिलता है। चरुदारो को पता ही है कि जो है पाकिस्तान में है, अर्नेस्ट मैके ने यहाँ पे खुदाई किया था। लोथल गुजरात में है, ऐसा राव ने यहाँ खुदाई किया था। बगसरा भी जो है गुजरात की ही साइट है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में। क्वेश्चन नंबर जो सेवन है वो ये है कि गैंडे मतलब राइनासोरस के हड्डियों का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है। ऑप्शन वन है रहमांडेरी, ऑप्शन सेकेंड है आमरी, ऑप्शन थर्ड है बालाकोट, ऑप्शन फोर है सोतकाको। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आमरी। आमरी से जो है कि आपको गैंडे के हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं। बालाकोट जो है बलूचिस्तान की साइट है, आपको पता ही होगा। बाकी एक दो साइट है वो आपके लिए होमवर्क है, रहमांडेरी के बारे में, सोतकाको के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में। जो क्वेश्चन नंबर नाइन है वो ये है कि सूती कपड़े का प्रमाण किस साइट से मिला हुआ है। सूती के कपड़े का प्रमाण किस साइट से मिला हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जानने से पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जो ऑप्शन वन है वो है बनावली, मोहनदारो, हड़प्पा। ऑप्शन सेकेंड है लोथल, आलमगीरपुर, मोहनदारो। ऑप्शन थर्ड है आपका मोहनदारो, हड़प्पा, आलमगीरपुर। इसके बाद ऑप्शन फोर है आपका कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनदारो। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है आपका मोहनजोदारो, हड़प्पा और आलमगीरपुर। ये तीन ऐसे साइट हैं जहाँ से आपको सूती कपड़े का जो है प्रमाण मिलता है। इसके बाद जो है कि देख लेते हैं आगे दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। यहाँ पे लिखा है सुरक्षा दीवार मतलब किलेबंदी का प्रमाण कहाँ से नहीं मिलते हैं, ठीक है। सुरक्षा दीवार किलेबंदी का प्रमाण कहाँ से नहीं मिलते हैं। ऑप्शन में कालीबंगा अल्लादीनो है, अल्लादीनो कुड़ाल है, अल्लादीनो चरुदारो है, और इसके बाद जो है अगला है चरुदारो नौसारो। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चन्नूदारो और अल्लादीनो। तो यहाँ इस जो करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर का, ये इसका करेक्ट आंसर है कि सुरक्षा दीवार मतलब किलेबंदी के प्रमाण कहाँ से नहीं मिलते हैं। तो अल्लादीनो चन्नूदारो से नहीं मिलते हैं।
इसके बाद चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि R37 कब्रिस्तान से, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि R37 कब्रिस्तान से कुल 90 कंकाल और 57 कब्रें प्रकाश में आई हैं, ये कब्रिस्तान कहाँ है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनदारो, जलोथल, कालीबंगन। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हड़प्पा। सीधे हम पॉइंट पे आते हैं, हड़प्पा इसका जो है करेक्ट आंसर है कि R37 जो कब्रिस्तान है वो जो है कि हड़प्पा में ही मौजूद है। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर आप क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।